कोई अपेक्षा मत रखो, मांगना ही है। भिखारी मैं दुनिया से क्या मांगना, तुम जिनसे मांगने की अपेक्षा करते ये खुद भिखारी है, ये भी तो भगवान के दर पर मांग रहे हैं। ये दूसरों जो अमीर आदमी है वो भी अपने अमीर से मांग रहा है, हमें भी लोन दो, वो खुद भिखारी है। जब खुद भिखारी है तो भिखारियों से भीख क्या मांगना, मांगना ही है तो दाता ऐसे मांगो, दाता एक राम जी भिखारी सारी दुनिया, राम जी के अलावा कोई भी इस दुनिया में दाता नहीं है। और एक बात सांप मांगते हैं, अच्छा एक बात हो, जो भिखारी है तुम उनसे मांगोगे पता भी नहीं कि देंगे कि नहीं देंगे, कई लोगों को तो निराशा ही हाथ लगती है, और राम जी से मांगोगे एक तो वो देंगे नहीं, देंगे तो सुदामा की भांति भर भर के देंगे। मौनम निराशा, कोई आशा मत रखो। तो पांचवा उपाय इंद्रिय संयम, इंद्रियों पर कंट्रोल करो, मन शांत रहेगा। छोटे छोटे बच्चे जितने भी यहाँ पढ़ने वाले हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं महाराज जी हमारा मन नहीं लगता, नकटा मोबाइल देख रहा हूँ, रील चला रहा हूँ, ठुमका देख रहा हूँ, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, इन्हीं रीलों के चक्कर में तो बर्बाद है। अब पहले के जमाने में आगे को लोगो टिकटॉक है तो बंद हो, अब हमको सिखाया गया, बोले गुरु जी अब रील चल गई, रील में कुछ नहीं होता, भील टाइम भर बर्बाद होता है। तो भाई मन शांति का उपाय क्या है, वासना से बचना है तो चलचित्र को देखना बंद। बहुत से बच्चे आते महाराज जी मन में बहुत गंदे विचार आते हैं, कि जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सुनो ध्यान से, युवान बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, भैया वासना से बचना है तो चलचित्र देखना बंद करो। इंद्रिय संयम, इसे शास्त्र में इंद्रिय संयम कहा, आंखों को क्या देखना चाहिए, कान दिए सुनवे को सत्संग, आंख संतों के दर्शन के लिए दी, कान किस लिए, भगवान की कथा सुनने। अब कई बच्चे तो कान में लगा लेते लीड, अब दोनों तरफ लीड लगा करके कोई भी गाली बकता रहे कोई पता नहीं, झुमझुम झुमझुम कर रहे, बरे भगवान ने तुम्हें म्यूजिक सुनने के लिए कान नहीं दिए, फिर किस लिए दिए, कान दिए सुनवे को सत्संग, सो जीव दई भज मोहन को, कान भगवान की कथा सुनने के लिए भगवान ने दिए, पर जीव ये जो जीव है इसके चटकारे लेकर बढ़िया चाट पकौड़ी खा करके चटकारे लेने के लिए नहीं दी, फिर किस लिए जीव दी, जीव दई भज मोहन को, दान के काज दिए दो हाथ, ये जो हाथ है ना मोटरसाइकिल चलाने नहीं दिए, ना दान के काज दिए दो हाथ, सुत पाम दिए तीर्थ घूमन, मन शांति का पांचवा उपाय है इंद्रिय संयम, आंखों से चलचित्र कम देखो, कानों से भगवान की कथा ज्यादा सुनो, हाथों से गुरु गोविंद के चरणों की सेवा करो, किसकी सेवा, लेकिन नए नए बच्चे तो पिटाई करके दूसरों की सेवा करो, बोलो सीताराम। इंद्रिय संयम, छठवां क्या, प्राणायाम, प्राणायाम करो रोज, प्रातः काल उठो, सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए और सूर्योदय के पहले स्नान हो जाना चाहिए, सूर्य उदय के बाद जो स्नान करता है वो जो है राक्षस स्नान कहलाता है। कौन सा स्नान, राक्षस स्नान, उत्तम नहीं माना जाता अब, लेकिन आजकल तो लोगों का सवे सुबह ही 10 बजे हो रहा है। पहले के जमाने में कोई अगर देर से जागे तो टेंशन होती थी कि क्या बात है तबीयत खराब है क्या, तो आज के जमाने में कोई जल्दी जग जाए, भैया पेट वेट तो ठीक है, 6 बजे ही उठ गया, बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। जो जमाना बड़ा, पहले प्रातः काल उठते थे तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, प्रातः काल उठ करके माता पिता और बच्चे सब उठ करके बढ़िया हाथों को ऐसे मलते थे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी ध्यान करते थे,
हाथों को देखते थे, बड़ी आंखों में लगाते थे, धरती माता को प्रणाम करते थे। रात काल उठ गई रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। लेकिन आजकल के बच्चे और आजकल के व्यक्ति उठते हैं तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये तु सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते चाय कप दर्शनम। आजकल श्लोक का अर्थ ही बदल गया, प्रभाते कप दर्शनम, पड़े पड़े ही चाय बन गई, दो दो बार ठंडी हो जाए, बस 5 मिनट हो, बस चाय बनाओ, भर आंखें खुलेंगी। धन्य है इंसान का जीवन। अरे प्रातः काल उठ करके ठाकुर जी को बगल में रखो, ठाकुर जी के दर्शन करो, माता पिता के दर्शन करो, गुरु जी का चित्र रखो, गुरु जी के दर्शन करो, जिनसे चेतना मिलनी है, ज्ञान मिलना है, सद्विचार मिलने हैं, सद्विवेक बनना है, सद्बुद्धि प्राप्त होनी है, ऐसे महापुरुषों की जीवनी और उनके चित्र को अंकित करो, उनके चरित्र को पढ़ो। चित्र के पीछे भागोगे तो वासना में रहोगे, चरित्र के पीछे भागोगे तो उपासना प्राप्त कर जाओगे। ये 6 उपाय शास्त्र में मन शांत करने के बताए हैं। कोई भी अशांत व्यक्ति इन 6 उपायों को अगर करे, कितना भी अशांत हो, वो जो है अपने मन को चिरस्थिर कर सकता है। जय श्री राम भक्तों, बागेश्वर बालाजी की जय, सन्यासी बाबा की जय, सियावर रामचंद्र की जय। आज की इस वीडियो में पंडित जीन शास्त्री ने मन को शांत करने के बहुत ही सरल और अचूक उपाय बताए हैं। इन छोटे छोटे उपायों को आप अपना कर अपने मन को शांत और स्थिर कर सकते हैं और इस वीडियो का पूरे से पूरा लाभ ले सकते हैं। जय जय श्री राम।